नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचिन है। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 18 अप्रैल 2020 के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की, जो जिनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले कि हम उन न्यूज़ की तरफ बढ़ें, देख लेते हैं हमारे कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की ऑनलाइन शिखर बैठक की मेजबानी की? तो ये किया था किसने? ये किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वियतनाम ने। ओके, वियतनाम ने ये किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, और आपको यदि बता दें इसका जो मुख्यालय है आसियान का, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, मैंने आपको बताया हुआ है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। और जकार्ता की एक बहुत फेमस बात मैंने आपको बताई थी, ये विश्व का सबसे तेज़ी से डूबने वाला देश है, 2050 तक ऐसा अनुमान है कि पूर्णतः डूब जाएगा। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ क्या है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? जब हम बात करते हैं भारतीय रेल परिवहन दिवस की, तो ये हमेशा मनाया जाता है 16 अप्रैल को। अब 16 अप्रैल को मनाए जाने का कारण क्या है? देखिए, भारतीय रेल जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ी थी, और ये दौड़ी थी कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेके ठाणे तक 34 किलोमीटर की ये रेल की जो यात्रा रही थी। तो तभी से हम 16 अप्रैल को भारतीय परिवहन दिवस के रूप में मनाते, भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी यदि हम बात करें भारतीय रेल की, तो वर्तमान में जो हमारे भारतीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे? जॉन मथाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? अभी किस राज्य ने ऐसा काम किया है? तो ये ऐसा राज्य है हमारा, ऑप्शन बी बिहार। बिहार ने औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, और 27,000 औद्योगिक इकाइयाँ ऐसी हैं जिनको शुरू करने का आदेश बिहार सरकार ने दिया है। लेकिन इसके लिए अपने अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात यदि बिहार की हुई है, तो चलिए बिहार को देख लेते हैं हम कहाँ है मैप में। बिहार है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड जोन जो दिखा रहा है। तो बिहार के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। यदि यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो 243 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। यदि लोकसभा सीटें देखी जाएँ, तो यहाँ पे 39 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 राज्यसभा सीटें हैं। और बिहार की राजधानी तो आप सभी लोगों को पता होगी, पटना है। चलिए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने क्या किया है? चीन ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो महामारी चल रही है, इस कारण से बहुत सारे जो शेड्यूल हैं, प्रोग्राम हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बात यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? ऑड्रे अजौले जो हैं, इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन अपने
यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड COVID-19 परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो ऐसा करने वाली एयरलाइन कोई और नहीं बल्कि फ्लाई एमिरेट्स है। ये फ्लाई एमिरेट्स से ये पहली ऐसी एयरलाइन बनी है जो अपने पैसेंजर्स को COVID-19 की टेस्टिंग करेगी, और ये सिर्फ टेस्टिंग ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबा टाइम लगी, 10 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा। यदि हम फ्लाई एमिरेट्स के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई की एयरलाइन है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में ही है। और यदि इसके वर्तमान में हम सीईओ की बात करें तो अहमद बिन सईद इसके सीईओ हैं। और ये एयरलाइंस की खास बात ये है, मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसकी सबसे बड़ी ये एयरलाइंस है। और ये जो टेस्ट ये करा रही है, कंडक्ट करा रही है फ्लाई एमिरेट्स, इसको वो दुबई हेल्थ अथॉरिटीज से मिलकर करा रही है। ठीक है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी के जो हेल्प है उससे ये कर रही है। चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये करने वाला जो नेशनल पार्क है वो है हमारा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि है जिम कॉर्बेट। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और यहाँ पे सबसे पहला ये नेशनल पार्क बन गया है जिसने अपने जानवरों को क्वारंटाइन करने की पहल की है। अब इसकी ये सबसे पुराना है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उनकी शुरुआत कब हुई थी, 1936 में हुई थी। हालांकि इसका पूर्व नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, जब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, याद रखना है आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए अगली न्यूज़ हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों का समर्थन करने के लिए अपनी पूर्ण उधार क्षमता को देने का प्रस्ताव दिया है। इसकी पूर्ण उधार क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया पूर्ण उधार क्षमता। पूर्ण उधार क्षमता से आशय कितना है, मतलब जितना वो उधार दे सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसकी पूरी पूरी जो अमाउंट जिसको वो एक बार में उधार दे सकता है वो कितना है, वो है उसका $1 trillion। बहुत बड़ा अमाउंट है, $1 trillion को उसने उधार देने के लिए बात करी है। अब ये बात उसने क्यों की है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ को आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में IMF ने $1 trillion की मदद की घोषणा की है। और IMF के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, IMF का जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, Washington DC में है। और इसके सदस्य 189 देश हैं। और वर्तमान में इसकी जो MD हैं वो कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और यदि जो अभी हम बात कर रहे थे उधारी की, जो IMF पूर्ण उधारी क्षमता को इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसी ज़रूरत सिर्फ इसके पहले सिर्फ World War II के टाइम पड़ी थी, उसके बाद से अभी ये ऐसी ज़रूरत सामने आई है। और IMF का ये बहुत बड़ा कदम है जो कि कारगर साबित होगा दुनिया के लिए कोरोना वायरस से लड़ने में। चलिए अब देख लेते हैं हम अपनी सातवीं न्यूज़। हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क बंद कर दिया है, तो ये बैंक और कोई नहीं बल्कि SBI है। SBI ने ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए किया है, 30 जून तक ATM सर्विस चार्ज है उसको, तब तक के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया है, 30 जून तक ये सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। यदि हम बात करें SBI की, तो SBI
की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो अभी चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार इसके अभी चेयरमैन हैं। आई होप आप इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करके चलेंगे। हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अभी वो एक फिल्म अभिनेता थे, एक एक्टर थे, जो रणजीत चौधरी हैं। चित्र में आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये रणजीत चौधरी थे। इनका हाल ही में 15 अप्रैल को निधन हुआ है, 64 वर्ष की आयु में। और लास्ट हॉलीडे जैसी मूवी में इन्होंने अपना योगदान दिया है, और ये बड़े बड़े पुरस्कारों के लिए नामित भी हुए हैं, जाने माने एक्टर रहे हैं बॉलीवुड के। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर डी, अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो बेचने की मंजूरी दी है। इससे पहले भारत अपने एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो को नहीं बेच सकता था पिछले करार के हिसाब से, लेकिन अब उसको बेच सकता है। हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल बैंकिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, मोबीक्विक, और भी बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म हैं। इस तरीके से BSNL ने भी अपना एक पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, और इसको उसने स्टार्ट किया है SBI की मदद से। अब SBI के बारे में तो अभी हम जान चुके हैं, अब देखते हैं BSNL से जुड़े तथ्य। तो यदि हम बात करें BSNL की, तो BSNL ने एक भारत इंस्टा पे नाम का जो ऐप, जो डिजिटल पेमेंट बैंक है, प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है जो लॉन्च किया है? वो है भारत इंस्टा पे। अब BSNL की हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या है, आप सभी लोग को पता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? प्रवीण कुमार पोरवाल इसके चेयरमैन हैं। हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वर्तमान में जो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है, MC मैरी कॉम, आप सभी जानते हो, वर्ल्ड चैंपियन है मुक्केबाजी में। हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये प्रतिनिधित्व किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी भारत की वित्त मंत्री हैं। अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है FMCBG, तो ये क्या है? FMCBG का फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो एक बैठक हुई थी जिस G20 देशों की, उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था, और भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो किसने किया था? हमारे भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ऑप्शन सी है हमारा, विनीत अरोड़ा इसका राइट आंसर है। पेटीएम का जो नया CEO है, जनरल इंश्योरेंस का जो CEO है, विनीत अरोड़ा जी को बनाया गया है। यदि हम बात करें पेटीएम के CEO की, तो विजय शेखर शर्मा इसके CEO हैं। और पेटीएम की शुरुआत कब हुई थी? पेटीएम की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी, और ये भारत में बहुचर्चित एक डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, सभी के लिए पेटीएम बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए, तो आज हम देखते हैं फिर अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने सोशल इनोवेशन के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है? BPCL, टाटा पावर, NTPC या ONGC? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको अपना राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में लिख के। और कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ राइट आंसर दे देते हैं, उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको नहीं देते हैं। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसकी है उसको भी देना है,
और साथ में यदि आप चाहते हैं कि आज की करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ प्राप्त हो, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।